भाई ने ये वाला ट्रेंड, ये बैटमैन वाला भाई ने चलाया ना भाई, सबसे पहले अपने पास लगा था भाई, अपने पास लगा। पंजाब में गाड़ी तो आंखें बंद करके पंजाब आओ दो भाई। ये तो है, जहाँ से गाड़ी जाती हुई पब्लिक तो मुड़ मुड़ के देखती होगी, हमारे पीछे पीछे आ जाती है, मुड़ती भी नहीं है, पीछे पीछे आ जाती है, तो गाड़ी नहीं ना रुकेगी, लोगों के कैमरे ऑन ही रहते हैं भाई। वाह, तीन बाल्टी पर बजाना, ये देखो भाई, अगर ये दोनों जलती है तो आगे से गाली पक्की आती है। अच्छा, मतलब भाई सामने वाले कुछ नहीं दिखाई देना ना। ये बहुत ऊंचे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है एक एक फ्लोर ऊपर बैठ रहे हैं ना। Hey guys, welcome back to my channel. Hope करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आप देख रहे हो दिल्ली से चल के आज हम भाई पंजाब आ चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप भाई स्कॉर्पियो देख के समझ गए भाई किन की रहने वाली है, तो बहुत डिमांडेड वीडियो रहने वाली है। तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, प्रॉपर वीडियो दिखाने वाले हैं, मजा आने वाला है, बहुत सारी गाड़ी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और कमेंट करके बताना कैसी लगी, भाई को स्टार फॉलो करो, हमें फॉलो करो। तो चलिए गाइस देना किस देर के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भाई आज की वीडियो हमारे साथ है साहिब भाई, तो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई बिल्कुल बढ़िया, और भाई की गाड़ी देख रहे हो भाई, बहुत ही ज्यादा रील में ट्रेंडिंग में इस टाइम पे है ना भाई। तो भाई ये देख रहे हो बहुत प्यारी लग रही, तो स्कॉर्पियो और काले शीशे तो रिकमेंडेड नहीं है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो भाई ने गाड़ी यार बहुत ही तगड़ी बनाई हुई है। भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ एक बार। तो भाई सबसे पहले ये बताओ बेसिक चीज कि भाई अपने कार का कौन सा मॉडल है, क्या है? 2021 मॉडल है। हाँ 2021 है ये, दिसंबर का। और S11 है? S11 टॉप मॉडल। टॉप मॉडल, तो मतलब टॉप लेना था तो भाई इतनी सारी चीजें, पंजाब में ये ट्रेंड ही है, नवी चीज लेंगे, टॉप मॉडल लेंगे, पर हमें जितने मर्जी पैसे ऊपर लगे लेंगे टॉप। अच्छा, मतलब लेना टॉप है, चाहे कितने पैसे ऊपर से लगाए, चाहे दुगने पैसे उसके ऊपर से लगा दे, है ना। तो भाई की काली गाड़ी है, काली गाड़ी, काले शीशे, भाई एक नंबर लगती है ना, तो रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ ना भाई, फ्रंट से देखो, सबसे पहले फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। फ्रंट से स्टार्टिंग करने वाले, मेन चीज़ हमें दिख गई इसका नंबर 0013। तो भाई ये यहाँ पर कितने का पड़ जाता है? ये 90 से 1 लाख रुपए में पड़ जाएगा। 90 से 1 लाख रुपए का पंजाब में भाई नंबर पड़ जाता है डबल वाला, जैसे आप देख रहे हो। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो भाई ने ये सब पार्ट ना अपना कमेलियन में कराया हुआ, जो क्रोम में अपना ना, ये हो गया और ये हो गया भाई अपना, ये सारा अपना कमेलियन में रैप कराया हुआ है। और नीचे दिखाई जाए तो भाई ये DRL जैसा लुक आ रहा है इसके अंदर, जो नई वाली आती है उसके अंदर इधर होता है, भाई ने इधर लगवाई है ना। तो भाई ये कितने की क्या पड़ी थी आपको? ये भैया मेरा दोस्त है, वो दिल्ली से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अच्छा अच्छा, कौन सी भी नई लाइट आती है उसने सबसे पहले मुझे फोटो भेजनी है कि ये आ गया। हाँ, ये लगा दो मार्केट, अगले दिन मैं उसकी दुकान पे। ये है देखो भाई, इस तरीके से ये लुक रहने वाली। अगर मैं दिखाऊँ हेडलाइट में अपनी LED लगी हुई है ऊपर भी और नीचे भी। तो कितने वाट है भाई ये? 160 मोको की। 160 तो मतलब उजाला कर देती होगी रोड पे तो, है ना? ये तो जलती ही नहीं है, अगर ये दोनों जलती है तो आगे से गाली पक्की आती है। अच्छा, मतलब भाई सामने वाले कुछ नहीं दिखाई देना है ना। और क्योंकि देखो फ्रंट भी भाई ने कराया हुआ है, तो देखो बहुत ज्यादा लाइट सी होती है आगे देखने के लिए, है ना। तो देखो ये हो गया फ्रंट चीज। अब आऊ मैं पीछे की तरफ, तो ये दिखाऊं तो भाई ये पीछे अपनी टेल लाइट्स भाई ने स्मोक कराई हुई है, ये अपना भाई कमेलियन हो गया। और इधर मैं पीछे दिखाऊं तो पीछे अपना रिफ्लेक्टर हो गया, और ये अपनी चोटी मिल जाती है यहाँ पर, ये भाई कंपलसरी है, चाहे गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, ये तो लगेगी ये। हाँ, क्योंकि इससे ना भाई इससे भी बहुत लुक बढ़ती है और प्रॉपर ये नज़र के लिए होती है ना भाई। तो ये है पीछे से कुछ इस तरीके की। भाई ये क्या चीज़ है, मतलब हिरन बना हुआ है तो ये कैसे?
सारा टेंट था तो खाली खाली लगती थी, तो एक लोगो सा बना दिया। अच्छा, लुक के लिए ओनली। तो अगर मैं दिखाऊं तो भाई ने इधर लिखवा रहा हुआ है कि क्या कानून तोड़ने का हक है, तो ये सारी चीज भाई ने लिखवाई हुई। ये इधर हो गया, इधर भाई लिखवाया हुआ है कि फोटो गाड़ी के ना खींचे, है ना। तो भाई ये देखो, हम फोटो नहीं खींच रहे, हम डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं। तो अब आते हैं मेन चीज भाई, ये देखो भाई ने ये वाला ट्रेंड, ये बैटमैन वाला भाई ने चलाया ना भाई, सबसे पहले अपने पास लगा था भाई, अपने पास लगा। तो मतलब क्या सोचा, कैसे कि क्या करवाना है, ऐसे कैसे दिमाग में आया भाई? बस गाड़ी पे कुछ हकानी कराने के लिए वीडियो डालनी थी। हाँ। सुबह दिमाग में आया, शाम को वीडियो पड़ेगी बना के। भाई भाई ये देखो, तो इसमें क्या कितने का क्या छपा भाई? ये 1000-1500 के बीच में। 1500 है ना। और भाई ने अगर दिखाऊं तो अपने वो फुटरेस्ट सब हटाए हुए हैं। तो आते हैं मेन चीज भाई, अपने अलॉय व्हील्स के ऊपर। तो इसकी अगर प्रोफाइल दिखाई जाए ना, तो भाई ये रही 295/35R24। तो भाई 24 इंची की अलॉय व्हील है। अब बंदे 28, 26, 26 ये सब गिरवा रहे हैं। तो जो आप डलवाने गए थे, तो भाई क्या सोचा था कितना डलवाना है? गाड़ी की लुक का नहीं चाहिए, डलने को तो 28 भी डल जाएंगे, बिल्कुल 26 भी डल जाएंगे। तो गाड़ी की वो सस्पेंशन सब हो जाता है काम, बिल्कुल। तो प्रीमियम लुक आती है इन अलॉय से। हाँ ये तो है। देखो मतलब कि इसमें भाई भगा भी सकते हैं, अभी इतने हैं कि भाई भगा भी सकते हैं आराम से, है ना। यहाँ पे तो बक्की ही भगेगी। पंजाब में गाड़ी तो आंखें बंद करके पंजाब आओ दो बस। हाँ ये तो है। तो भाई ये कितने के क्या पड़े अपने को? ये उस टाइम मुझे पड़े थे 1.5-2.5 लाख के पड़े थे, 2.5 लाख के आसपास के भाई। ये अपने 24 इंच अलॉय व्हील। तो भाई रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स मस्त है। जहाँ से गाड़ी जाती हुई पब्लिक तो मुड़ के देखती होगी, हमारे पीछे पीछे आ जाती है, मुड़ती भी नहीं है, पीछे पीछे आती है। गाड़ी नहीं ना रुकेगी, लोगों के कैमरे ऑन ही रहते हैं। भाई वाह, ये देखो इसलिए भाई ने वो स्टिकर छपवा दिया पीछे। तो ये हो गए। तो भाई एवरेज वगैरह क्या दे रही है इन पे? तो 10 की देते हैं, 9-10 की एवरेज है ना। और अगर दिखाऊं तो अंडरबॉडी लगी हुई है भाई अपनी, पर्पल है या पिंक है, कौन सा? ये पिंक कलर का है। और ये देख सकते हो, भाई बोल रहे हैं कि भाई ने सबसे पहले लगवाया ना ये वाला पिंक कलर सबसे पहले। तो ये देख सकते हो, और अपने अलॉय में भी लगी हुई है अपनी, है ना, लाइट्स। ये देख सकते हो भाई ने ना इस पे नहीं करवाया, ये पर से अलग से पत्ती लगी हुई है, उसके ऊपर भाई ने प्रॉपर चिपकवाई हुई है ना। तो ये देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है। रात में भाई की रील पे जाके देख सकते हो किस तरीके क्या जलती है ना भाई, क्योंकि अभी तो भाई प्रॉपर भाई दिन हुआ पड़ा है, तो इसलिए तरीके से दिख नहीं रही होगी आपको ना भाई। बाहर से हमने सब चीज़ दिखाया भाई, एक बार अंदर आ जाओ, अंदर से दिखाते हैं अंदर क्या क्या हुआ पड़ा अपना। तो अंदर से अगर दिखाई जाए तो भाई ये देखो, अंदर से भाई कुछ इस तरीके की है। ये अपनी कैप्टन सीट वाली है ना भाई, तो ये देख सकते हो। और पीछे की भी भाई पन्नी चढ़ी हुई है, मेरे को लगता है पीछे कोई जाता ही नहीं होगा बैठने, है ना, सुरंग गए तो। तो भाई ये देखो, ये इस तरीके से है भाई। सिस्टम वगैरह की बात करो तो क्या क्या करवाया हुआ? सिस्टम कोई शौक नहीं है। अच्छा, सिस्टम का शौक नहीं, सिस्टम ये वाला चलता है। अच्छा, बस सिस्टम ये वाला सिस्टम है भाई का, ये वाला सिस्टम है ना। तो देखो वैसे भाई शौक शौक की बात होती है, अगर मैं दिखाऊं तो भाई ये बहुत ऊंचे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है एक फ्लोर ऊपर बैठ रहे हैं ना। अंदर से भाई ने ना बिल्कुल स्टॉक करी हुई है ना कार अपनी, है ना, सिस्टम वगैरह सब स्टॉक लगा हुआ है। जैसे कि भाई तुम्हें पता है हम हैं पंजाब में, पंजाब में अगर रूट्स के होरन ना हो तो कार अधूरी है ना भाई। रूट्स के होरन भाई कितने हैं? चार है, यानी कि दो पेयर। भाई एक बार जरा बजाना एक बार, ये देखो भाई फुल लाउड है ना। और सायरन भी अपना तीन बाल्टी पर बजाना, ये देखो भाई मतलब कि शौक भाई हॉर्न वगैरह अलॉय वगैरह सब चीज के, है ना भाई, क्योंकि सबसे पहले यही स्टार्ट होता है ये सारी चीज, है ना। तो ये हो गई ये सारी चीज। तो गाइस आपको भाई आउटपुट वगैरह सुनाने वाले किस तरीके से क्या आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं हम। तो गाइस जैसा भाई ने बताया कि भाई को सिस्टम का शौक नहीं है ना। तो ये हो गई सारी चीजें भाई, हमने सब चीज दिखा दी। तब ये बताओ भाई कितना पैसा लगा दी पूरी गाड़ी में? लग गया 4 के आसपास, 4 लाख के आसपास, है ना। अब नेक्स्ट अपग्रेड क्या करने वाले हो ये बताओ? सिस्टम अलॉय पे, अलॉय तो यही मस्त है, इसके ऊपर जाने का तो मन ही नहीं करता, इसके ऊपर जाने का मन नहीं आना। तो भाई ये है सारी चीज। तो बहुत बंदे भाई को जानते होंगे, तो भाई जाके भाई को इंस्टा पे फॉलो करो, हमें फॉलो करो, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। तुम्हारे लिए ना भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई। ये बता देना कहाँ पर आया हूँ मैं? अब खरड़ पे भाई, मोहाली के पास। और बताओ मतलब दिल्ली से भाई इतनी दूर चल के तुम्हारे लिए भाई वीडियो बना के और तुम्हें दिखाने के लिए भाई घर बैठे। तो भाई जल्दी से जाके ना जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ तक वीडियो आपका देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।